ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश की सियासत का वो नाम जो पिछले साल भर से हर जुबां पर है, और हो भी क्यों ना, कमलनाथ की सरकार गिनाकर उन्होंने सत्ता का स्वाद जो चख लिया। खैर, अब मध्य प्रदेश के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दाल अब भाजपा में नहीं गल पा रही है। दरअसल इसके पीछे यूं तो कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये कि जो सियासी हसरतें पालकर सिंधिया ने पाला बदला था, वो सपने बदलते वक्त के साथ काफूर होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि जब सिंधिया ने कांग्रेस को गच्चा देकर भाजपा का दामन थामा था, तब उनके साथ विधायकों की एक लंबी चौड़ी फौज भी आई थी, और अब यही फौज सिंधिया के गले का फांस बन चुकी है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस का पाला बदलकर जो विधायक भाजपा में आए हैं, उनको खाटी भाजपा के नेता किसी भी कीमत पर अपनाने को स्वीकार नहीं। यहां तक कि कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी अपनी सियासी विरासत के मद्देनजर सिंधिया और उनकी फौज से खतरा महसूस कर रहे हैं, और सिंधिया भी ये बखूबी महसूस करने लगे हैं कि भाजपा उनको भले ही ऊपर से गले लगा ली हो, लेकिन दोनों के दिल अभी तक मिल नहीं पाए हैं। अब ऐसे बदलते सियासी माहौल में सिंधिया के सियासी भविष्य को लेकर नई गफलत खड़ी हो गई है कि आखिर वो करें तो करें क्या। भाजपा अपना मानने को तैयार नहीं, और कांग्रेस बहुत पहले ही पराया कर चुकी है। कांग्रेस ने तो इतना पराया कर दिया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तक सिंधिया को गद्दार महाराज कहकर पुकारने लगे। खैर, मध्य प्रदेश की सियासत के जानकार बता रहे हैं कि सूबे में कोई बड़ी सियासी उठापटक आगामी दिनों में हो जाए तो ज्यादा ताजुब मत करिएगा, क्योंकि सिंधिया की दाल नहीं गली तो महाराज नई सियासी चाल जरूर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया।